हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान कोविड था देश के अंदर, देश में तमाम तरह की समस्याएं थी, उसके बावजूद माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से किसान अच्छा उत्पादन कर पाए। मैं तो अब तक ये सोच रहा था किसान अपनी मेहनत से उत्पादन कर पाए, लॉकडाउन था फिर भी चुपचाप से वो अपने चला जाता था, खेत में मेहनत करता था, मंडियों में जा नहीं सकते थे, किसी तरह मंडियों में पहुंचाया, कईयों ने अपनी सब्जी फल फेंकी। लेकिन आज मंत्री जी ने ज्ञान क्या दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण किसान ऐसा कर पा रहा। पीयूष गोयल जी ये भी कह के गए कि इन कानूनों का एग्जिस्टिंग एपीएमसी पर कोई किसी तरह का असर नहीं होगा। अरे भाई, इस कानून के पक्ष में बोलने वाले कह रहे हैं कि इससे एपीएमसी पे ये असर होगा, एपीएमसी सुधर जाएगी, कंपटीशन होगा, एपीएमसी को बदलना पड़ेगा, उसको मजबूरी होगी, और मंत्री जी कह रहे हैं किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा तो आपने बनाया क्यों है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस चर्चा को आगे बढ़ाना नहीं, कोई नई बात देना नहीं, बातचीत को सुलझाने की दिशा में बढ़ना नहीं, ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि अब बॉल किसान गेंद जो है वो किसानों के पाले में है। पांच तारीख को किसानों से वार्ता हुई, उसके बाद ऐसा लगा जब कहा कि 9 तारीख को अगला राउंड होगा तो देश को लगा सरकार आगे बढ़ेगी। 8 तारीख को भारत बंद हुआ, उसके बाद शाम को अमित शाह ने बुलाया किसान नेताओं को, लगा कि वो कोई नई बात करेंगे। 10 तारीख को उनकी तरफ से, 9 तारीख को उनकी तरफ से लिखित प्रस्ताव आए, जो इसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी, कल जब प्रस्ताव आए, ये जो प्रस्ताव आए इस पे चर्चा हुई, तब लगा कोई नई बात आएगी। 5 तारीख को सरकार ने वही कहा, उसके बाद जब गृह मंत्री से बात हुई उन्होंने उसी बात को दोहराया, 9 तारीख को लिखित प्रस्ताव में उन्हीं बातों को लिख के दे दिया गया, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगता था मंत्री अब 1-2 कदम आगे जाएंगे, क्योंकि उनके लिखित प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया कल। अब सवाल था मंत्री क्या कहेंगे। सच कहूं तो आज पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी। क्या कोई उसमें नई घोषणा थी? बिल्कुल नहीं। क्या सरकार ने अपना कोई भी एटीट्यूड, कोई भी चीज बदली? बिल्कुल नहीं। क्या सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव आया? बिल्कुल नहीं। क्या सरकार की तरफ से कुछ नेक्स्ट राउंड की घोषणा हुई? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? जो लोग टीवी जानते हैं वो कहते हैं ये फुटेज खाने के लिए होती है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि इसकी टीवी पे रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि इसके बाद लगेगा कि हाँ कुछ बहुत सरकार कुछ बहुत व्यस्त है करने में, सरकार बहुत चिंतित है, सरकार जुटी हुई है, सरकार लगी हुई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें सरकार की तरफ से एक नहीं न जाने कितने झूठ बोले गए, हल्के हल्के में चला दिए। नरेंद्र तोमर जी जरा सॉफ्ट इंसान है, बोलने में बहुत एग्रेसिव नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत हल्के से सरकाए झूठ। पीयूष गोयल जी शर्मो लिहाज से थोड़ा ऊपर रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से कुछ बिल्कुल बेशर्मी से कुछ झूठ चलाए। पर सबसे पहली चीज आप सोचिए, कुछ उसे 5-7 बातें शेयर करने के लिए आज ये बातचीत मैं कर रहा हूं, ताकि इस तरह के भ्रम में हम ना फंसे, हमारा ध्यान वहीं रहे जहां होना चाहिए। सरकार की तरफ से सबसे पहले क्या कहा गया, अब याद रखिए PIB की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का एक विभाग है। भारत सरकार के मंत्री आके भारत सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किस चीज से होती है, वो कहते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बंगाल में गए और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, वहां की TMC की सरकार ने ये किया वो किया, उनके सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, उन पे हमला हुआ। ये सब महत्वपूर्ण बात है, आप बीजेपी के मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, इस पे 2 घंटा बोलिए, आपकी बात सही है गलत है मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इससे क्या मतलब? क्या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बीजेपी का मीडिया सेल बन गया है? इन चीजों को हम देखते ही नहीं आजकल देश में, सबको सामान्य, सब कुछ सामान्य लगने लगा है, हर संस्था
महामहिम के गुणगान के लिए है, हर संस्था लीडर के गुणगान के लिए है, हर संस्था पार्टी की है, कुछ ऐसा बन गया है। कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल खुल के बीजेपी के प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। वो शुरू के 2-3 मिनट थे, उसको भूल जाइए। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान कोविड था देश के अंदर, देश में तमाम तरह की समस्याएं थी, उसके बावजूद माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से किसान अच्छा उत्पादन कर पाए। मैं तो अब तक ये सोच रहा था किसान अपनी मेहनत से उत्पादन कर पाए। लॉकडाउन था फिर भी चुपचाप से वो अपने चला जाता था, खेत में मेहनत करता था, मंडियों में जा नहीं सकते थे, किसी तरह मंडियों में पहुंचाया, कईयों ने अपनी सब्जी फल फेंकी। लेकिन आज मंत्री जी ने ज्ञान क्या दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण किसान ऐसा कर पा रहा था। मैं अपने गांव में जाके बताऊंगा, भाई तुम नहीं कर रहे थे, उनकी दूरदर्शिता के कारण कर रहे थे। पता लग गया अब आपको, पता नहीं क्या तर्क है इसके पीछे। उन्होंने ये भी सूचना दी कि जैसा कि आप जानते हैं, इन 3 कृषि कानूनों का देश भर में स्वागत हुआ है। पता नहीं था आपको, इस पत्रकारों को नहीं पता लगा, पूरे देश को नहीं पता लगा, लेकिन देखिए स्वागत हो गया। बिल्कुल इतने सहज भाव से बोल दिया, मतलब मैं कमाल में सोचता हूं कि कितनी क्षमता होगी इतने सहज तरीके से इतना बड़ा झूठ सिंपली सरका दिया, देश में इसका स्वागत हुआ है। पीयूष गोयल जी ने इसके अंदर अपना अंग्रेजी में बोलते ही थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता है इंसान का। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजस्थान के चुनाव नतीजों से बिल्कुल जाहिर है, ये बात प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कल कही, राजस्थान के पंचायत चुनाव से एकदम जाहिर है कि किसान इन 3 कानून के पक्ष में है। अब इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में बीजेपी जीती कांग्रेस हारी, इसमें कोई शक नहीं कि वोट देने वाले अधिकांश किसान रहे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि ये केवल स्थानीय पंच सरपंच की हार जीत नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस की हार है, बीजेपी की जीत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत जी की सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन भाई इसका 3 कृषि कानूनों से क्या मतलब है? क्या बीजेपी ने अपना चुनाव इन 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर लड़ा था? आपने देखा अगर राजस्थान में किसी कैंडिडेट ने कहा हो कि मुझे इन 3 किसान कानूनों पर वोट दो, या कांग्रेस ने कैंपेन चलाया हो कि ये 3 किसान कानून सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके पक्ष विपक्ष पे चुनाव लड़ा जाएगा, जो चीज मुद्दा नहीं है उसको कैसे उठाया जा रहा है, उससे कैसे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। मंत्री जी ने कई और बातें कही। उन्होंने ये कहा कि इस कानूनों की संवैधानिकता पे सवाल उठाए गए, लेकिन ये कानून हम जो संवर्ती सूची का ट्रेड का विषय है उसमें कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बारीक पेच है, 1 मिनट में समझाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। देश में संविधान के अंदर सूचियां बनी हुई है, लिस्ट है वो चीजें जो केवल केंद्र सरकार कर सकती है, दूसरी तरफ लिस्ट है जो केवल राज्य सरकार कर सकती है, संवर्ती सूची है जिसमें दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस हो तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। अब जो राज्य की सूची है वो बिल्कुल क्लियरली कहती है एग्रीकल्चर, और उसके साथ में एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फेयर्स मार्केटिंग। जो केंद्र की सूची संवर्ती सूची है वो कहती है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बड़ी सामान्य बात है, किसान जब अपनी फसल स्थानीय बाजार में बेचने जाता है वो मार्केटिंग है। जब उस फसल को वहां का स्थानीय व्यापारी जाके दूर दूसरे प्रदेश में बेचता है, किसी और बड़ी मंडी में बेचता है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो एपीएमसी मंडी के अंदर जो हो रहा है वो मार्केटिंग है, नाम ही उसका मार्केटिंग है, उसको ट्रेड में कैसे कर सकते हैं? यानी कि ये इसका मतलब ये है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को कैसे आ गया, ये सवाल बार बार किसानों ने पूछा है, इसका अब तक तो कोई जवाब नहीं दिया। मगर मंत्री जी कह गए कि साहब हमने तो ट्रेड के अंदर किया है, अब करते रहिए इसके ऊपर बातचीत। देश के मंत्री जी कुछ और बातें भी कह गए, पीयूष गोयल जी ये भी कह के गए कि इन कानूनों का एग्जिस्टिंग एपीएमसी पर कोई किसी तरह का असर नहीं होगा। अरे भाई
इस कानून के पक्ष में बोलने वाले कह रहे हैं कि इससे एपीएमसी पे यह असर होगा, एपीएमसी सुधर जाएगी, कंपटीशन होगा, एपीएमसी को बदलना पड़ेगा, उसको मजबूरी होगी, और मंत्री जी कह रहे हैं किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा तो आपने बनाया क्यों है भाई? तो दोनों तरफ से झूठ बोलने का इरादा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में देखिए पहले क्या कहा जा रहा था कि एपीएमसी और प्राइवेट मंडी के अंदर अनइक्वल कंपटीशन हो जाएगा, प्राइवेट मंडी में सेस और टैक्स नहीं लगेंगे, एपीएमसी में टैक्स लगेगा। तो आज पीयूष गोयल जी ने कहा कि अब हमने दोनों को बराबर दिया है, कल का प्रस्ताव हमने दे दिया है कि अब प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगेगा। पता नहीं कैसे झूठ बोल जाते हैं देश के सामने। कम से कम नरेंद्र तोमर जी ने जो बोला उसमें झूठ नहीं था, लेकिन पीयूष गोयल एकदम मतलब मैं समझता हूँ एक खास तरह का अहंकार आपको आदत इजाजत देता है कि आप बिल्कुल आंख खोल के झूठ पेलते जाओ। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, जो मैंने कल भी बताया था, सरकार ने ये नहीं कहा है अपने प्रस्ताव में संशोधन में कि प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स और सेस लगेगा। सरकार ने कहा है अगर राज्य सरकार चाहे तो वो यह लगा सकती है, सकती है और लगेगा। इसमें कानून में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये छोटी छोटी चालाकियां हैं, इन्हें लगता है कि अब किसान किसान प्रतिनिधियों को ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन वो जमाने बीत गए। किसानों को अब ये चीजें दिखती हैं, पता लगता है, वो बोलते हैं। अब किसान उस जमाने का किसान नहीं रहा। किसान का बच्चा अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़ लेता है, समझता है इन बारीकियों को, कानून को, पेंच को, और किसान तय करके आया है कि सड़क की लड़ाई तो लड़ा है, जीता है, अब टेबल की, नेगोशिएशन की, कागज की लड़ाई भी नहीं हारेगा। तमाम बातें करने के बाद मंत्री जी ने कहा कि देखिए हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, अब इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आए तो बताएं। और उन्होंने कहा कि देखिए हम क्या करें, इनकी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, हमें ही इनकी बातों में से कुछ बिंदु निकालने पड़े। झूठ है। फिर झूठ इसलिए है कि आज से एक महीना पहले जब पंजाब के किसान अपनी अंतिम वार्ता के लिए दिल्ली आए थे, उस वक्त बलबीर सिंह राजेवाल जी ने एक लिखित नोट सरकार को दिया था अपनी ऑब्जेक्शंस बताते हुए। 3 तारीख को जब दिल्ली में चर्चा हुई तो किसान संगठनों की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से कोई 30 बिंदु बताए गए थे जिसके बारे में ऐतराज है। वो कहते हैं आपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया। अरे भाई कैसे दे दें, हम तो संशोधन चाहते नहीं है, हम क्यों संशोधन का प्रस्ताव दें? किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए। अगर मुझे घर में पानी की टंकी बनवानी हो और कोई सेप्टिक टैंक बना के मुझे दे दे और फिर कहे कि अच्छा अच्छा दिक्कत है, चलो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, बीच की दीवार थोड़ा हटा देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, बदल देता हूँ, आप क्या कहेंगे? भैया सेप्टिक टैंक में चेंजेस करके वो पानी की टंकी नहीं बनेगी, मुझे पानी की टंकी चाहिए। यही बात किसान कह रहा है। इन तीनों कानूनों में अमेंडमेंट, थोड़ा सा ये, थोड़ी ठोक पीट, थोड़ी मरम्मत करके काम नहीं बनेगा। हमें इन तीनों कानूनों का इरादा पसंद नहीं है, इनका डिजाइन पसंद नहीं है, इसलिए अब इसमें संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। किसान संशोधन नहीं चाहते, हम संशोधन का प्रस्ताव क्यों रखें? फिर मंत्री जी मासूमियत से कहते हैं कि हम तो तैयार हैं इनसे बातचीत करने के लिए, अब इन्हीं से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आइए बताइए, वार्ता दोबारा हम शुरू करते हैं। इस बात को सफाई से गोल कर गए कि इन्होंने प्रस्ताव भेजा, किसानों ने खारिज कर दिया, अब सरकार को जवाब देना है। दिक्कत क्या थी, इसको ऐसा बना दिया गया मानो अब किसानों को जवाब देना है। यही खेल था, इसी तरह से खेल खेले जाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस चर्चा को आगे बढ़ाना नहीं, कोई नई बात देना नहीं, बातचीत को सुलझाने की दिशा में बढ़ना नहीं, ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि अब बॉल किसान, गेंद जो है वो किसानों के पाले में है, उन्हें कुछ करना है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कुछ करना चाहती है, पर देखिए नए किसान हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, अब आप ही बताइए हम क्या करें। ये परसेप्शन मैनेजमेंट के खेल है। आप ये मत समझिए कि मासूमियत से खेले जा रहे हैं। इन खेल के पीछे डिजाइन करने वाले मैनेजर होते हैं, कम्युनिकेशन एडवाइजर्स होते हैं, जो जुमले तय करते हैं, नेताजी क्या पहन के क्या बात कर
ये तय करते हैं ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा सके। ये सब आपका और मेरा दिमाग डाइवर्ट करने के तरीके हैं। हम अपना ध्यान मुख्य चीज पे रखें, आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन को तेज करना है। हर किसान परिवार से एक व्यक्ति दिल्ली आए, ये मेरी व्यक्तिगत अनुरोध है। एक व्यक्ति को स्पेयर कीजिए, किसान हो सकता है इस शताब्दी की अपनी आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, और ये लड़ाई में यदि किसान नहीं जीता तो फिर आगे कभी नहीं जीत पाएगा। एक व्यक्ति को भेजिए, 12 तारीख को पूरे देश में जो उनको टोल फ्री कर दिया जाएगा। 12 तारीख को राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं, उनके साथ भी जुड़िए, और 14 तारीख को देश भर के अंदर धरने लगाए जाएंगे और दिल्ली कूच का आयोजन होगा। इस आंदोलन को और मजबूत करने से ही अब हम अगली स्टेज पे पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।